ब्रेक तो बात करना सिलसिला एक बार फिर तो जारी है। जल सप्लाई विभाग के कच्चे मुलाजमान ने पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिता है, इतने जम के मुजहरा किया। दस दिए कि श्री आनंदपुर साहब तो यह तस्वीर सामने आई है जिथे कि श्री आनंदपुर साहब के नजदीक कोटला विच पानी की टंकी से चढ़े यह मुलाजम नजर आए हैं जिन्होंने सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों वालों पंजाब सरकार के खिलाफ यह मुजहरा किया गया। भगवंत मान सरकार से उन्होंने वायदा खिलाफी का इल्जाम लगाया तो कहा कि सत्ता में आने से पहले मान ने पक्का करने का वायदा किया था, हुण सरकार साड़ियां मंगां नूं अणगौलियां कर रही है। यह प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मुख्यमंत्री भगवंत मान से निशाना साधिया। सो यह जी तस्वीर सामने आई है पानी वाली टंकी से चढ़ के इन मुलाजमान वालों सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, सरकार से वायदा खिलाफी का इल्जाम लगाया। पिछले लंबे समय तो जल सप्लाई यूनियन रजिस्टर नंबर 31 के पूरे पंजाब दे विच पिछले समय भी अभी जरा संघर्ष करते आ रहे हैं। हुण भी जो सवेर के 6 बजे टैंकी ने साढ़े वर्कर चढ़े है, यह साढ़ा 2 साल का जो बनता एरियल है वह एरियल नहीं दिता जा रहा, और लेबर एक्ट फैक्ट्री एक्ट 1948 तहत साढ़ा 25,010 रुपये जो बनता है तनखा बनती है वह भी नहीं दी जा रही। इतों तक कि इतने अधिकारी सानू एरियल देने की बजाय फंडा की टाल मटोल कर रहे कि फंड जारी नहीं होए, इतने मजदूर वर्ग ने फंड लेने जिम्मेवारी नहीं है, इतने का अधिकारी जिम्मेवारी बनती, इतों की प्रशासन नहीं बनती। मैं प्रशासन को बेनती भी करता कि लंबे समय तो असी नोट्स दिता है, प्रशासन ने साड़ी मीटिंग कराने तो बजाय कंडा तार 15-20 फुट लाती, इदा के जो तारा लाने मसले हल नहीं, टेबल टॉक करना चाहिए। प्रशासन को पहले भी असी बेनती की थी, प्रशासन साड़ी कोई गल नहीं सुनी।